यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिहरी के बोरड़ी में पीपीपी मोड पर संचालित जिला अस्पताल में दिमागी बुखार से पीड़ित एक बच्ची का इलाज डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक कर दिया। लड़की के ताऊ का कहना था कि 19 जुलाई को हम बच्ची को अस्पताल लाए थे, जहां हमें बच्ची को दिमागी बुखार होने का पता चला। उसके बाद हमने बच्ची को एम्स में ले जाने की सोची, परंतु यहां के डॉक्टर्स ने हमें यहीं पर फ्री में इलाज देने की बात कही, जिसके बाद बच्ची का 11-12 दिन इलाज चलने के बाद बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और आज बच्ची को डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं बच्ची के परिजनों ने डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद अदा किया है। नाम क्या है? अच्छा, तो आपको यहाँ पर अच्छा लगा कि आपका ट्रीटमेंट हुआ है? ठीक है बेटा। व्यवस्थित एक्चुअली इसको मैं पहचान नहीं रही थी किसी को, व्यवस्थित काफ़ी इसके डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि इसके दिमाग में जो है नशे में स्वेलिंग थी और इसके नमूनिया भी ख़राब था, आई थिंक, और बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन थी। तो जब हम यहाँ पे लेके आए तो सर एक टाइम तो हमें ये लग रहा था कि हम गलत मतलब यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन सारे स्टाफ ने डॉक्टर्स ने और हमें बताया कि आप घबराओ मत, आप यहाँ पे आए हैं तो ट्रीटमेंट किया है। 2-3 दिन तक तो हमें ये लग रहा था कि काफ़ी डेंजर है, लेकिन 2-3 दिन बाद लड़की रिकवर हुई है और हमें आज बिल्कुल डिस्चार्ज मिल रहा है, बहुत अच्छी। कितने दिन पहले आप यहाँ पर आ गए थे? सर हमें 10-11 दिन। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं यहाँ की कार्य प्रणाली से? बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा स्टाफ का बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। और कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं ली गई आपसे? आयुष्मान अभी तो कोई पैसा नहीं लिया गया कोई भी? शुरू में हमें आयुष्मान कार्ड लाने भूल गए थे, 3-4 दिन लग गए थे इसकी वजह से, थोड़ा शुरू में उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आयुष्मान वगैरह कोई चार्ज नहीं किया गया, मेडिसिन एक्चुअली यहाँ पे बाहर से अरेंज की गई है, यहाँ पे नहीं थी, कई चीज़ें ऐसी जो यहाँ पे नहीं थी तो देहरादून से मंगाई गई है, लेकिन हमें हमसे कोई कॉस्ट नहीं देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं डॉक्टर अल्पा गुप्ता जी, यहाँ पे बाल रोग विभाग में मैं यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। ये बच्चा कोमल जो है वो हमारे पास आया था 19 तारीख को, काफ़ी सीरियस हालत में आया था, इसको दौरे पड़ रहे थे और इसको दिमाग का जो है बुखार था जिसको एनकेफेलाइटिस कहते हैं, और काफ़ी सीरियस हालत में आया था बच्चा। अगले दिन हमने इसका इलाज इमरजेंसी में एडमिट किया और इसका इलाज शुरू किया। अगले दिन इसके जो दादाजी थे वो चाह रहे थे कि वो यहाँ से इस बच्चे को नीचे एम्स ऋषिकेश लेके जाएँ ताकि इसका इलाज वहाँ पर करा सके। हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया और उनको ये भरोसा दिलाया कि हम इस बच्चे का यहाँ पे इलाज करेंगे और अच्छे से करेंगे, और उस दिन और आज का दिन है। ये बच्चा काफ़ी दिन आईसीयू में रहा, आज बच्चा पूरी तरह से होश में है और आज हम उसको छुट्टी कर रहे हैं, और वो मरीज के जो रिश्तेदार हैं वो बहुत खुश हैं, और हमारे लिए एक ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस जगह पे भी हम इस तरह के जो दिमागी बुखार है इस तरह के बड़ी बीमारियों के भी इलाज कर पा रहे हैं। मैम, जैसे पीपीपी मोड पे है ये, और ज़्यादातर लोग बोलने में आता है या सुनने में आता है कि पीपी मोड में जो संचालित जो अस्पताल है वो ठीक से काम नहीं करते, उनके डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ गलत परसेप्शन है जो कि बदलने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आईसीयू में देख रही हूँ इतने सारे पेशेंट्स एडमिटेड हैं और हम काफ़ी सीरियस मरीजों का यहाँ पे इलाज कर पाते हैं। अच्छी बात यह है कि मरीजों के पास उनके घर के पास इतनी अच्छी सुविधा मौजूद है और उनको यहाँ से इतने 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके देहरादून या ऋषिकेश एम्स और या इतने बड़े अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सुविधा उनके घरों के पास आ गई, ये सबसे अच्छी बात है। और अगर अगर हम इस धारणा को बदलेंगे तो लोग जो है अस्पताल पे विश्वास भी करेंगे और इलाज भी करेंगे।